हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो मेरे आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी एक न्यूबॉर्न बेबी को मसाज कैसे दी जाए और मसाज किसको देनी चाहिए और कब स्टार्ट करनी चाहिए। सो बिफोर आई स्टार्ट माय वीडियो, कंग्रेचुलेशंस फॉर द न्यू एडिशन इन योर फैमिली। बीइंग अ मदर इज़ नॉट ईजी, और अगर ये आपकी फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी है, आप फर्स्ट टाइम मदर हैं, तो इट्स गोना बी लिटिल टफ, बट एज अ मदर यू विल डू इट। थोड़ा मुश्किल होता है बट धीरे धीरे आपको आदत हो जाती है। वो स्लीपलेस नाइट्स, रात को कितनी बार मल्टीपल टाइम्स यू हैव टू गेट अप फॉर फीडिंग द बेबी एंड देन क्लीनिंग द पूप एंड बेबी इज क्राइंग। इनिशियली तो मुझे भी समझ नहीं आता था मेरा बच्चा क्यों रो रहा है, पर धीरे धीरे आप अपने बच्चे को समझने लगते हैं। आपको समझ आ जाता है कि ओके, नाउ माय बेबी इज़ क्राइंग फॉर मिल्क, नाउ ही इज़ क्राइंग दैट ही इज़ स्लीपी और ही जस्ट वांट्स टू बी कडल्ड। कभी कभी छोटे बच्चों को सिर्फ अपनी मदर का टच चाहिए होता है, कडलिंग चाहिए होती है, तब भी वो लोग रोते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, पर धीरे धीरे यू विल गेट यूज्ड टू इट। सो कमिंग टू द टॉपिक, मसाज कब से शुरू करना चाहिए, तो एटलीस्ट आप एक महीने का वेट करें बिफोर यू स्टार्ट द मसाज ऑफ योर बेबी। क्योंकि जो बच्चा होता है, छोटा होता है, जब वो अपनी बॉडी हीट रेगुलेट नहीं कर पाता है, बिकॉज मोस्टली लोग विद इन 6 days बच्चे को मसाज करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत गलत है। बच्चे को सर्दी लग सकती है क्योंकि बच्चा अपनी बॉडी हीट रेगुलेट नहीं कर पाता है। ज़्यादा देर बच्चे को अगर आप खुला रखेंगे, एक्सपोज रखेंगे, तो ठंड लगने का बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, बच्चे को निमोनिया हो सकता है। सो बेटर है आप एक महीने का एटलीस्ट वेट करें। देन मोस्टली फैमिलीज में एक ट्रेडिशन होता है मिडवाइफ या दाई को रखने का बच्चे की मालिश के लिए। तो मैं यहाँ यही बोलना चाहूँगी कि आप किसी दाई से या मिडवाइफ से कराने के बजाय एज अ मदर आप बच्चे की मसाज खुद करें। इसके बहुत बेनिफिट्स होते हैं। बच्चे के लिए भी और आपके लिए भी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मिडवाइफ्स और दाई होती हैं जो मसाज करती हैं, दे आर नॉट प्रोफेशनली ट्रेन्ड। वो या तो अपनी मदर से सीखा हुआ उन्होंने होता है, या अपनी ग्रैंड मदर से, या किसी से सीखा होता है, तो वही वो प्रैक्टिस फॉलो करते रहते हैं। कोई प्रोफेशनली ट्रेनिंग नहीं होती है। सो दे हैंडल द बेबी वेरी हार्डली। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई हैव सीन, जब दाई किसी बच्चे को मसाज करती है तो बच्चे रोते हैं। वाई? बिकॉज वो इतना हार्डली बच्चे को हैंडल करते हैं। दे थिंक दैट यू नो, मसाजिंग इन दैट वे विल मेक द बोन्स ऑफ द बेबी स्ट्रॉन्ग, तो इट इज़ रॉन्ग। बच्चे की बोन्स मसाज से स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं। बच्चे की बोन्स स्ट्रॉन्ग होती हैं जो वो दूध पीते हैं, मिल्क उससे, और जो सप्लीमेंट्स उनको दिए जाते हैं, जिसमें वाइटामिन डी होता है, कैल्शियम होता है, आयरन होता है, दैट ऑल्सो मेक्स अ बेबी स्ट्रॉन्ग। एंड जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, क्रॉल करता है, चलता है, तो उसकी इन एक्टिविटीज से बच्चे की बोन स्ट्रॉन्ग होती है, ना कि मसाज से। तो मसाज का सिर्फ एक पर्पस होता है बच्चे को काम करना, एंड वो अगर एक मदर करे तो उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। देयर इज अ रीज़न बिहाइंड इट। जब एक मदर अपने बच्चे को टच करती है और बच्चे को मसाज करती है, बच्चे को बहुत ही रिलीफ मिलता है और बच्चा बहुत अच्छे से सोता है। आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग अच्छी बनती है। एज अ मदर आपके अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हार्मोन ऑफ लव कहा जाता है, ऑक्सीटोसिन। दिस इज एन अमेजिंग हार्मोन जिससे कि आपके और आपके बच्चे के बीच में बॉन्डिंग बनती है। तो आप कोशिश करें कि आप अपने बच्चे को खुद मसाज दें और दाई से ना करवाएं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, वो लोग बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली ट्रेन नहीं होते हैं। इवन नहलाने के लिए भी बच्चे को लोग दाई को ही कहते हैं। तो बच्चे को आप खुद सब बच्चे का काम करें। सो मोस्टली जो मसाज करने वाली लेडीज़ होती हैं, वो बच्चे के कान में और नाक में ऑयल ड्रॉप्स डालती हैं। वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आप भी करते हैं तो प्लीज़ स्टॉप इट, डू नॉट डू इट। बिना डॉक्टर से कंफर्म करे आप कुछ भी ऐसी चीज़ें ना करें, ना ही बच्चे को काजल लगाएं, मना किया जाता है। 1 साल से पहले बच्चे को हनी भी नहीं देना चाहिए। हनी में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं
जो बच्चे को इन्फेक्शन दे सकती हैं. सो ट्राई नॉट टू गिव हनी बिफोर एनी ऑफ, एक साल से पहले बच्चे को हनी ना दे. एंड मोस्टली जो दाई होती हैं, जो बच्चे को मसाज के लिए लोग रखते हैं, वो जो बच्चे का तालू होता है जो कि यहाँ पे इस पोर्शन में होता है, ये ओपन पोर्शन होता है, तो उनका कहना होता है यहाँ पे आप जितना तेल लगाएंगे और दबाएंगे वो उतनी जल्दी बंद होता है. ऐसा नहीं है. तालू जो होता है आपके बेबी का, जो ये फ्रंट पोर्शन और जो बैक पोर्शन होता है, एक न्यूबॉर्न बेबी के दो जगह से सर जो होता है वो ओपन होता है, एक तो ये फ्रंट और एक ही बैक. बैक वाला विद इन 2 मंथ्स अपने आप क्लोज हो जाता है एंड फ्रंट वाला आपका 18 मंथ्स तक नॉर्मली क्लोज हो जाता है. कई बच्चों का थोड़ा लेट क्लोज होता है, जैसे कि मेरे बड़े बेटे का थोड़ा लेट क्लोज हुआ है, वही मेरे छोटे बेटे का बहुत जल्दी क्लोज हो गया था. मैंने अपने बच्चों के तालू पे तेल नहीं लगाया. सो मोस्टली मसाज वाली जो होती हैं वो यहाँ पे ऑयल लगा के प्रेस करती हैं. सो दिस इज समथिंग विच यू शुड नॉट अलाउ हर टू डू. इवन जब ऐसा मदर आप मसाज करते हैं, बहुत हल्के हाथों से बच्चे को मसाज करें, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता. दिन में 3 बार या 4 बार मसाज करनी है, आप कंफर्टेबल है. मैं दिन में सिर्फ 2 बार मसाज करती थी और मसाज का पर्पस सिर्फ और सिर्फ एक माँ और बच्चे के बीच में बॉन्डिंग बनाना होता है, बच्चे को रिलैक्स करना होता है. मसाज करने से बच्चा ज़्यादा देर तक सोता है, ये आपने भी फील किया होगा. अगर आपका बेबी विंटर बॉर्न है तो आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं बच्चे के लिए, बिकॉज ऑलिव ऑयल गर्म होता है, बच्चे की बॉडी को गर्म करेगा. और अगर आपका बेबी समर बॉर्न है तो आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं. बट आप जो भी ऑयल यूज़ करें उससे पहले आप एक पैच टेस्ट ज़रूर करें, क्योंकि मेरे दोनों बच्चों को कोकोनट ऑयल सूट नहीं करता था, स्पेशली जब मैं ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल लाती थी तो मेरे दोनों बच्चों को वो सूट नहीं करता था. तो मैं उसकी जगह क्रीम से बच्चों को मसाज करती थी अपने. अगर आपके बच्चे को ऑयल नहीं सूट करता है तो आप क्रीम से भी मसाज कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि ऑयल से ही मसाज करनी है. अगर आपके बच्चे की स्किन सेंसिटिव है तो आप क्रीम से भी कर सकते हैं. और अगर विंटर बॉर्न आपका बच्चा है तो बच्चे के सर में ज़्यादा देर तक तेल ना लगा के रखें, स्पेशली रात को, क्योंकि ऑयल लगाने से सर ठंडा रहता है, बच्चे को सर्दी लग सकती है. तो मैं मोस्टली मॉर्निंग में नहलाने से पहले ऑयल लगाती थी, आफ्टर 1/2 hour to 1 hour के बाद मैं उसको वॉश कर देती थी, बेबी को नहलाती थी. मैंने अपने दोनों बच्चों की मसाज खुद करी है, मैंने अपने दोनों बच्चों को खुद नहलाया है. मैंने कोई भी दाई, मिडवाइफ या मसाज के लिए कोई भी हायर नहीं किया था, बिकॉज आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू एवरी थिंग ऑन माई ओन. एंड ट्रस्ट यू मी, मेरे बच्चों के बीच में मेरी जो बॉन्डिंग है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स. आपके बच्चे और आपके बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है अगर आप बच्चे का सब काम खुद करें. तो जैसे मैंने बताया, मसाज आप हल्के हाथों से करें, बहुत ही जेंटली, प्यार से, और मसाज के 1/2 hour to 1 hour के बाद अपने बच्चे को आप नहला दें गुनगुने पानी से. छोटे बच्चों को कोशिश करना चाहिए हल्के ल्यूकवॉर्म वाटर से ही नहलाएं, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, छोटे बच्चे अपनी बॉडी हीट रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, तो ज़रूरी है आप उनको थोड़ा वार्म रखें. सो दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू शेयर इन माई वीडियो. आई रियली होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें. और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें. वेरी सून आई विल कम बैक विद अनदर वीडियो. टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी.